नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आज हमारी की शुरुआत ममता बनर्जी सरकार से सात सीधे सवाल पूछकर करने जा रहे हैं। वो सवाल जो वास्तव में हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने आज ममता सरकार से पूछे। पहला सवाल, आरजी कर रेप और हत्या के मामले में एफआईआर इतनी देर से क्यों दर्ज की गई? दूसरा सवाल, प्रिंसिपल संदीप घोष ने हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश क्यों की? तीसरा सवाल, कोलकाता पुलिस भीड़ को अस्पताल में तोड़फोड़ करने में क्यों नहीं रोक सकी? चौथा सवाल, जब आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल का आचरण जांच के दायरे में था तो उन्हें फौरन दूसरे अस्पताल में कैसे नियुक्त कर दिया गया? पांचवा सवाल, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर राज्य की शक्ति का प्रयोग क्यों किया गया? जो लोग प्रदर्शन पर बैठे थे, जो न्याय मांग रहे थे, उन पर लाठियां क्यों भांजी गई? छठा सवाल, अपराध स्थल की सुरक्षा करना पूरी तरह से पुलिस का काम था, यह कोलकाता पुलिस की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? और सातवां सवाल, पीड़िता की पहचान उजागर करने की इजाजत कैसे दी गई, इसे क्यों नहीं रोका गया? आपने ये सारे सवाल सुने टीएमसी के किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी द्वारा नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और खुद चीफ जस्टिस द्वारा ये सवाल आज पूछे गए। ऐसे सवाल जो कोलकाता पुलिस के आचरण पर गंभीर संदेह पैदा कर रहे हैं। और अब पिछले हफ्ते शुक्रवार को इसी मामले में न्याय के लिए मार्च कर रही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ममता बनर्जी की इन तस्वीरों को याद कीजिए। सवाल यह है कि जब सारे सवाल उन्हीं की सरकार और उन्हीं की पुलिस पर उठाए जा रहे हैं तो ममता बनर्जी ने यह मार्च आखिर किया क्यों? इस सब के बीच पश्चिम बंगाल सरकार का डिफेंस क्या रहा है? वो कह रहे हैं, एक जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज है, दो ये विरोध राजनीतिक तत्वों द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने कहा था ये राम और वाम द्वारा हाईजैक किया गया विरोध प्रदर्शन है। तीन, महिलाओं के खिलाफ अपराध बाकी राज्यों में भी तो हो रहे हैं जहां पर भाजपा जैसी पार्टियां सत्ता में हैं। चार, पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और मुख्य आरोपी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। और पांच, ये कि इन मामलों को हफ्तों के भीतर सुलझाने और आरोपी को फांसे देने की जिम्मेदारी अब सीबीआई पर है। हमसे सवाल मत पूछो, सारे सवाल सीबीआई से पूछो, कुछ तृणमूल कांग्रेस अब सीबीआई से सवाल पूछ रही है। क्या इस बचाव का अब कोई भी मतलब और औचित्य आपको दिखाई दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद सख्त टिप्पणियों के साथ कदम उठाने के साथ साथ ममता बनर्जी तेजी से अपने सहयोगियों से भी समर्थन खोती जा रही हैं। उनके खुद के जो समर्थक दल थे अब उनके साथ नहीं खड़े हैं शायद। इसीलिए जब कांग्रेस जैसी पार्टियां कोलकाता पर टिप्पणी करने से बच रही हैं, वो बाकी राज्यों में हो रहे अपराध का मुद्दा उठा रही हैं। टीएमसी ने राष्ट्रव्यापी महिलाओं की स्थिति पर एक टिप्पणी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सारे ऑब्जर्वेशंस को देखा है और कहा है हम तो न्याय के साथ ही खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के बारे में ही नहीं है, वो पूरे देश के हालात के बारे में। ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया। अब सवाल ये बनता है कि ममता बनर्जी क्या जिम्मेदारी उठाते हुए इस्तीफा देंगी? यहाँ राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है उससे भी हम सबको बाज आना चाहिए और ज़्यादा उचित रहेगा कि सीबीआई की तरफ से जो पिछले कई दिनों से जांच चल ही रही है कुछ बुलेटिन्स कुछ सूचनाएं आनी चाहिए ताकि अफवाहों का बाजार थम जाए। ऐसी घटना हुई है ना, रोंगटे खड़े हो गए। कलकत्ता में हुआ, बीते दिनों देहरादून में हुआ, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, अलग अलग राज्यों में। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये राजनीति का अब मसला नहीं है, लोग कर लें राजनीति। बच्चियों के प्रति ये पूरा नजरिया हमारा निर्भया के बाद भी नहीं बदला। हाउ सच ए क्राइम कुड टेक प्लेस व्हेन द हेल्थ डिपार्टमेंट द पुलिस डिपार्टमेंट आर ऑल अंडर द चीफ मिनिस्टर and the chief minister should give an answer for a supreme court
এটা কিন্তু সারা দেশের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থাপনার কথা বলেছেন যে পদক্ষেপের কথা বলেছেন আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি।